जय हिंद साथियों। तो आज देखेंगे हम मुगल काल, मुगलों के बारे में देखेंगे कि मुगलों ने क्या किया है, कहाँ से मुगलों का प्रारंभ हुआ है, कहाँ के मुगल आए थे, कहाँ से भारत आए थे, किन्होंने बुलाया था, तो उसको देखते हैं हम मुगल, मुगलों के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि मुगल काल जो कि हमने पहले यहाँ पे रख दिया है और थंबनेल में भी आप लोग देख चुके हैं। तो आज का जो मोटिवेशन कोट होगा जो हम अभी बताने वाले हैं कि हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। तो हो जाइए तैयार और देखिए यहाँ पे कि मुगल काल है क्या। तो देखते हैं मुगल काल को, मुगलों को देखेंगे किस प्रकार से मुगलों ने शासन किया है भारत पर और कैसे ही विस्तार किया है। तो धीरे धीरे करके आप यदि नोट्स बनाएंगे, मैं यदि एक एक शब्द बोलूंगा तो प्रत्येक शब्द ऐसा बोलूंगा कि आपको लगेगा कि हाँ शब्द कुछ है। तो देखते हैं यहाँ पे कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो सर्वप्रथम देखते हैं मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर था। बाबर कहाँ से आया था, किसने बुलाया था इसे, और इसने किसको पराजित करके भारत पर विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ पे देखेंगे हम हर प्रत्येक टॉपिक को देखेंगे कि बाबर मुगल वंश का संस्थापक, यदि संस्थापक की बात की जाएगी तो कौन सा होगा, बाबर होगा। बाबर कब आया था, तो 1526 से 1530 तक बाबर रहा है। 1500 कब से कब तक शासन किया है इसने भारत पर, तो सन कब से कब तक की लिख दूं मैं, 1526 से, 1526 से 1530 तक इसने क्या किया है, भारत पर शासन किया है। यदि पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि जो संस्थापक था वो कौन था, तो संस्थापक यदि मैं यहां पर डाल दूं, संस्थापक कौन था, बाबर था। कौन सा था, बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर था। इसने कब से कब तक शासन किया था, तो 1526 से 1530 तक इसने शासन किया था। यदि इसका वास्तविक नाम पूछा जाए कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था, तो बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। क्या नाम था, मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर था। यदि बाबर के पिता का नाम पूछा जाए, यदि बाबर के पिता का नाम क्या है, तो उमर शेख मिर्जा। क्या है, तो बाबर के पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा। तथा माता का नाम, माता का नाम क्या होगा, कुतलुग निगार खानम। क्या होगा, माता का नाम कुतलुग निगार खानम। यदि माता के बाबर की जो बेगम है, बेगम का नाम पूछा जाए कि बाबर की बेगम का क्या नाम है, तो माहिम बेगम। यदि पिता की बात की जाए, पिता बाबर के पिता कौन से हैं, तो उमर शेख मिर्जा, शेख मिर्जा मिर्जा। तथा माता, माता कौन सी है, माहिम बेगम, सॉरी कुतलुग निगार खानम, कुतलुग निगार खाना खाना। यदि पूछा जाए कि बाबर के पिता कौन से हैं, तो उमर शेख मिर्जा। माता कौन सी है, तो कुतलुग निगार खानम। यदि बाबर की पत्नी का नाम पूछा जाए कि बाबर की पत्नी कौन सी है, तो बाबर की पत्नी कौन सी है, पत्नी तो होंगी माहिम बेगम। यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। इसके बाद में पूछा जाए कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो बाबर का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। कुछ जो किंवदंती है, किंवदंतियों के अनुसार कहा जाता है कि बाबर का जन्म बैलेंटांडे को हुआ था। कब हुआ था, तो जन्म, जन्म की बात पूछी जाए यदि, तो कुछ किंवदंतियों के अनुसार कहा जाता है कि बाबर का जन्म कब हुआ था, 14 फरवरी को हुआ था। लेकिन मेरे अनुसार, मुझे जितना मिला है तो मैं उस उतना बताऊंगा, कब हुआ था, तो 24 फरवरी, फरवरी। मैंने भी खूब सारी खोज की है, तो कुछ किंवदंतियों के अनुसार कहा जाता है कि 24 फरवरी को हुआ था, लेकिन मुझे कितना मिला है, 24 फरवरी मिला है। तो 24 फरवरी 1483 को, 1483 को 24, या तो आपको पेपर में 14 मिलेगा या 24 मिलेगा, दोनों आपको नहीं मिलेंगे, या 14 मिलेगा या 24, क्योंकि दो दो डाटा दिए हुए हैं। तो 24 फरवरी या 24 फरवरी, 14 या 24 फरवरी, 1483 को कहाँ पे हुआ था। तो स्थान की बात करने जाएंगे कि कहाँ पे हुआ था, तो ट्रांस, ट्रांस ऑक्सियाना, ऑक्सियाना भावना, भावना भावना उनहर, उनहर रियासत, ट्रांस ऑक्सियाना भावना उनहर रियासत, रियासत में हुआ था।
तो यदि बाबर का जन्म कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, तो 14 या 24 फरवरी 1483 को हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि वैलेंटाइन डे को हुआ था, लेकिन 24 फरवरी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो ट्रांसोक्सियाना भावना ओनहर रियासत में हुआ था। तो इतना हम समझ चुके हैं। इसके बाद देखते हैं कि बाबर जो 14 वर्ष की अवस्था में था, बाबर को जो भारत किसने बुलाया था, इसको देखते हैं कि बाबर को भारत में किसने बुलाया था। तो पंजाब के सूबेदार आलम खान लोदी, कौन कौन ने, दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ने क्या किया था, भारत पर आमंत्रण किया था। कहाँ के सूबेदार थे, पंजाब के सूबेदार थे। तथा संभवतः माना जाता है कि बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था। संभवतः क्लियर नहीं है, लेकिन संभवतः माना जाता है कि बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए किसने बुलाया था, तो राणा सांगा ने बुलाया था। कभी कभार ऐसा होता है कि अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी अपन ही पटकती है। क्यों? क्योंकि अब आगे उसका जिक्र हम बताएंगे कि जिसने बुलाया था अब उसी के लिए पहाड़ कैसे बन रहा है बाबर। तो देखते हैं आगे, इसको साफ करने के बाद हम बताते हैं। तो बाबर के बारे में हम पूरी जानकारी देंगे आपको कि किस प्रकार से क्या है। तो राणा सांगा ने बुलाया था या नहीं बुलाया था, बुलाया होगा तो पता नहीं है, और लेकिन बुलाया था, संभवता में बुलाया था। तो अब यहाँ पे देखते हैं, जब बाबर 11 वर्ष की अवस्था में था, कितनी अवस्था में था, बाबर 11 वर्ष की अवस्था में था, तो उस समय, जिस समय बाबर 11 वर्ष की अवस्था में था, उस समय काबुल, काबुल स्थान है ये, फरगना रियासत में यह क्या था, बादशाह था। फरगना जहाँ पे इसका जन्म हुआ था, फरगना रियासत में यह क्या था, तो बादशाह था। वहाँ से उसके पैतृक साम्राज्य से सैबानी खान ने क्या कर दिया था, बेदखल कर दिया था। बेदखल का अर्थ होता है वहाँ से उसने हटा दिया था, भगा दिया था। जैसे ही 1504 में क्या हुआ, 1504 में 11 वर्ष की अवस्था में सैबानी खान ने उसे उसके पैतृक साम्राज्य से क्या कर दिया था, हटा दिया था। लेकिन 1504 में, 1504 की अवस्था थी, 1504 में बाबर ने कहां पर, काबुल पर अपना क्या किया था, अधिकार किया था, काबुल पर क्या किया था, अधिकार किया था। तो वहां पे जो कि काबुल कहां पे है, अफगानिस्तान की, जो कि आज वर्तमान समय में अफगानिस्तान की क्या है, राजधानी है। तो 1504 में काबुल पर क्या किया था, अधिकार किया था। किसने किया था, तो बाबर ने किया था। बुलाया किसने था, तो दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ने। संभवतः माना जाता है कि बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था। इसके आगे देखते हैं, 1507 में, इसके आगे चलते हैं, 1504 में क्या किया था इसने, काबुल पर अधिकार किया था। इसके बाद में 1507 में इसने क्या किया था, बादशाह की उपाधि धारण की थी, बादशाह की उपाधि कब की थी, तो 1507 में किसने की थी, तो बाबर ने की थी। किसकी उपाधि की थी, तो बादशाह की उपाधि धारण की थी। कब की थी, 1507 में की थी। इसके आगे देखते हैं, 1519 में, 1519 में, 1519 में बाबर ने भेरा तथा बाजौर, भेरा जो कि कहां पे है, बाजौर पर क्या किया था, बाजौर का युद्ध लड़ा था। 1519 में भेरा तथा बाजौर का बाबर के द्वारा युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर क्या रहा, विजयी रहा। इसी युद्ध में बाबर ने तोपों के साथ साथ तोगलमा पद्धति का उपयोग किया था। इसमें किसने, तोपों जो बंदूकों से बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो उनका प्रयोग किसने किया था, बाबर ने किया था। ताकि उसी के वजह से बाबर क्या हुआ था, विजय हुआ था। तो तोपों का प्रयोग किया था। 1526 में, 1526 ने बाबर ने क्या किया, कलंदर की उपाधि धारण की। तथा 1527 में, 27 में क्या की थी इसने, खाकान की उपाधि धारण की थी। तो 1526 में कलंदर की उपाधि, 1527 में इसने किसकी उपाधि धारण की थी, तो खाकान की उपाधि धारण की थी। इसके आगे देखते हैं, जैसे ही 1526 बाबर के द्वारा
चार अति महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे। कितने लड़े गए थे? चार अति महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे। सॉरी, मैं एक चीज बताना भूल गया हूँ, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। यहाँ पे देखते हैं, बाबर के चार पुत्र थे। कौन कौन से थे? बाबर के कितने पुत्र थे? तो चार पुत्र थे, जो कि यहाँ पे थोड़ी सी जगह में मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ा था कौन सा? हुमायूं। हुमायूं। सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? हुमायूं। जो उससे छोटा था वो कामरान, कामरान से छोटा हिंदाल, हिंदाल। सबसे छोटा कौन सा था? तो अस्करी था, अस्करी। बाबर के चार पुत्र थे, कौन कौन से? हुमायूं, कामरान, हिंदाल तथा अस्करी, चारों पुत्र थे। तो बाबर सबसे बड़े पुत्र को सबसे ज्यादा प्यार करता था। क्या करता था? बाबर के चार पुत्र थे। बाबर के पिता का नाम, यदि पिता का नाम पूछा जाए तो उमर शेख मिर्जा, माता का नाम कुतलुग निगार खानम तथा बीबी का नाम अर्थात पत्नी का नाम क्या था? माहिम बेगम था। तथा बाबर के चार पुत्र थे, कौन कौन से? हुमायूं, कामरान, हिंदाल तथा अस्करी, चार पुत्र थे। बाबर ने जो जब 11 वर्ष की अवस्था में था, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बाबर जब 11 वर्ष की अवस्था में था तब यह कहाँ का? फरगना रियासत का सूबेदार था। वहां से सूबेदार की उपाधि थे शौकत अली खान ने, इसे सेवानी खान ने इसे क्या कर दिया था? बेदखल कर दिया था। तब 1504 में जाकर के इसने क्या किया? काबुल पर अधिकार किया और वहां का बादशाह बना। 1507 में इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। 1519 में भैरा तथा बाजौर के युद्ध में इसने युद्ध लड़ा और वहां पे क्या किया? इसने तोपों का प्रयोग किया तथा तोगलमा पद्धति का उपयोग किया, जहां से उसने क्या की? विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त करने के बाद 1526 में इसने कलंदर की उपाधि धारण की। 1527 में खाखान की उपाधि धारण की थी। इसके आगे देखते हैं, बाबर के द्वारा चार अति महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे जिनके बारे में अभी बताऊंगा। आगरा में बाबर के बड़े पुत्र जिसका नाम क्या था? हुमायूं। हुमायूं ने आगरा में बाबर को क्या दिया था? कोहिनूर हीरा दिया था, जो कि आज वर्तमान समय में कहां पे है? तो इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में, जो कि आज वर्तमान समय में। लेकिन इसे निकाला कहां से गया था? जो कोहिनूर हीरा था, जो भारत की आन बान शान थी, इसे निकाला कहां गया था? तो गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। तो यहां पे देखते हैं, बाबर के द्वारा चार अति महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे, जो कि युद्ध में एक एक करके बताऊंगा, इसको मैं साफ कर रहा हूं। आगे देखते हैं, जो कि युद्ध बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, तो प्रत्येक युद्ध को ध्यान पूर्वक सुनना है और उनको करना भी है, याद करना है। और तो देखते हैं, जिसकी एक ट्रैक है, ट्रैक बना करके हम पढ़ेंगे तो काफी लंबे समय तक उसे क्या कर पाएंगे? याद कर पाएंगे। तो ट्रैक देखते हैं, बाबर के द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध, जो इसके द्वारा युद्ध लड़े गए हैं, वो कौन कौन से युद्ध लड़े गए हैं? तो ट्रैक में देखते हैं, ट्रैक के माध्यम से देखेंगे पखा चघा। हमें कितने शब्द याद करना है? ओनली 4 शब्द। कौन से? पखा चघा। बस बाबर के द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध कौन कौन से हैं? पखा चघा। पा से हो जाएगा पानीपत, खा से हो जाएगा खानवा, चा से हो जाएगा चंदेरी, घा से हो जाएगा घग्गर। तो किस प्रकार से चार युद्ध लड़े गए हैं? पानीपत, खानवा, चंदेरी, घग्गर, इस प्रकार के चार युद्ध लड़े गए हैं। तो एक एक युद्ध का जिक्र हम करेंगे। अभी तो हमने ट्रिक के माध्यम से चारों युद्ध को लड़ा है, तो युद्धों को देखेंगे। तो आप देखते हैं यहाँ पे, एक पहले इसको देखेंगे, फिर इसको, सबसे बाद में इसको देखेंगे। तो बाबर की मृत्यु तक जाएंगे, जन्म से लेकर मृत्यु तक जाएंगे, अपन छोड़ेंगे नहीं, जब तक कि बाबर को खत्म नहीं कर देंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इसने पानीपत का, सॉरी पखा चघा जो मैंने ट्रिक लिखी थी, उसका एक मोबाइल नंबर था पखा चघा। बाबर का मोबाइल नंबर क्या था? तो बाबर का मोबाइल यदि आप लगाओगे तो बाबर के पास बाबर की घंटी बजेगी। किस नंबर को? 26, 27, 28, 29 और 30। 26, 27, 28, 29, 30, यदि ये नंबर आप डायल करोगे तो बाबर की ही घंटी बजेगी, किसी और की नहीं बजेगी। अब यहाँ पर घंटी बजाएंगे, किस प्रकार से बजाएंगे? तो देखते हैं, सर्वप्रथम पानीपत का युद्ध,
पानीपत का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? तो 21 अप्रैल, अप्रैल 1526। यहां से मैंने क्या लिया 21 अप्रैल, यहां से इस मोबाइल नंबर से क्या लिया 1526। इतना हमें याद करना है, इतना हमें मोबाइल नंबर से ही लेना है। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो यहां पे देखेंगे किस किस के मध्य लड़ा गया था, तो बाबर, बाबर बैट्स, कौन सा, तो पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, बाबर तथा, सॉरी यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान नहीं है, यहाँ पे है लोदी वंश के अंतिम शासक जिनका नाम होगा इब्राहिम लोदी। कौन से होंगे? इब्राहिम, इब्राहिम लोदी, लोदी वंश के अंतिम शासक जो कि कौन से होंगे? इब्राहिम लोदी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 को। किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो बाबर तथा लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा गया था। तो यहाँ पे बाबर ने क्या किया था इस युद्ध में, कि बाबर ने उस्मानी और तुगलमा पद्धति, जो कि दो नंबरी की जो पद्धति थी, दो नंबरी का प्रयोग किया था इसने, तब इसने क्या किया था इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया था, अर्थात मार दिया था। लोदी, इब्राहिम लोदी ही एकमात्र ऐसा संतान था जो कि क्या हुआ था, युद्ध भूमि में ही वीर गति को प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं, पासे पानीपत का युद्ध हो गया, खासे खानवा का युद्ध को देखते हैं। हाँ सॉरी, यहां पे देखते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा यहाँ की लूटी हुई संपत्ति, जितनी भी संपत्ति थी, लूटी हुई संपत्ति क्या कर दी थी, अपनी सभी सेना में बांट दी थी। क्या कर दी थी? अपनी सभी सेना में बांट दी थी तथा काबुल के प्रत्येक सैनिक को, काबुल के प्रत्येक सैनिक को एक एक चांदी का टका उपहार के रूप में दिया। जब कोई राजा अपनी प्रजा को, अर्थात कोई राजा या कोई, अब ये यदि आज की बात को लेंगे तो सरपंच या फिर कोई बड़ा अधिकारी अपनी गांव की जो जितनी भी प्रजा है उसको पैसे देगी, तो वो क्या कहलाएगी? बहुत अच्छा कहलाएगा कि हमारा राजा बहुत अच्छा है। तब जो 1526 में मैंने बताया था कि कलंदर की उपाधि धारण की थी, तो बाबर ने प्रत्येक अपने सैनिक को चांदी का टका, काबुल की सैनिकों को एक एक चांदी का टका उपहार के रूप में दिया और क्या बना हुआ है, कलंदर की उपाधि धारण की। आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे खानवा, खासे हो जाएगा खानवा, खासे क्या हो जाएगा, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 16 मार्च, कब लड़ा गया था? 16 मार्च 1527 को कब लड़ा गया था खानवा का युद्ध? तो यहां इतना तो हमें याद करना है, 27 हमें इस मोबाइल नंबर से लेना है। तो खानवा का युद्ध, अब देखेंगे किस किस के मध्य लड़ा गया था। तो यहाँ पे देखेंगे बाबर, बाबर बैट्स, किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो जिसने बुलाया था, किसने बुलाया था संभवता में, किसने बुलाया था? तो राणा सांगा, राणा सांगा, तो राणा सांगा के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। कब लड़ा गया था? 16 मार्च 1527 को। किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो बाबर तथा राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। परंतु खानवा के युद्ध में राणा सांगा क्या नहीं हुआ था, मारा नहीं गया था, क्योंकि 1528 में इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, जहर की हुई थी। यही एक वह बंदा होगा जिसके ना तो एक हाथ था, ना एक आंख थी, ना एक पैर था, और 72 किलो का भाला चलाता था। तो राणा सांगा की मृत्यु कैसे हुई थी? जहर से हुई थी। इसके आगे देखते हैं हम, खानवा का युद्ध, खानवा के युद्ध में क्या किया था बाबर ने, बाबर ने इसके साथ में, तो तोपों, तोपों तथा जिहाद, जिहाद शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। तो तोपों तथा जिहाद शब्द का प्रयोग किया था राणा ने। तो जिहाद शब्द का अर्थ होता है कि अल्लाह क्या है, खतरे में है। तो जो बाबर को अपनी जनता पर विश्वास नहीं था, इसलिए बाबर ने पानीपत के युद्ध में कहा कि इब्राहिम लोदी की जो जितनी भी लूटी हुई संपत्ति थी क्या कर दी थी, उसने अपनी जनता में बांट दी थी और जनता का इसने विश्वास जीत लिया था। तो जनता ने इस पर क्या कहा था, इसने क्या कहा था जनता पर, जिहाद शब्द का प्रयोग किया था।
तो जनता ने इस पर कहा था कि हे राजन, आप युद्ध भूमि छोड़कर के घर वापस आ जाना, लेकिन हम वहीं पर क्या कर देंगे, अपनी जान निछावर कर देंगे, लेकिन अल्लाह को खतरे में नहीं देखेंगे। तो तभी बाबर को विश्वास हो गया था कि हमारी जनता हमारी पक्ष में है। तब तभी राणा सांगा से इसने क्या किया था, युद्ध जीता था, क्योंकि राणा सांगा पहले 100 युद्ध कर चुका था। इसके आगे देखते हैं हम चंदेरी का युद्ध, कौन सा युद्ध देखेंगे अब हम, चंदेरी का युद्ध। खासी हो जाएगा खानवा, चासी हो जाएगा चंदेरी। चंदेरी जो कि कहां पे है, अशोकनगर जिले में है। चंदेरी कहां पे है, किस जिले में है, तो अशोकनगर जिले में। ये कब हुआ था, तो जनवरी 1528, जनवरी 1528। पास हो जाएगा पानीपत का युद्ध, खासे हो जाएगा खानवा का युद्ध, चासे हो जाएगा चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, जनवरी 1528 में, किस किस के बीच हुआ था, तो वो देखेंगे हम, बाबर, बाबर बैट्स किस किस के बीच में हुआ था, तो मेंदनी राय राजपूत, मेंदनी, मेंदनी राय राजपूत, राजपूत के द्वारा, मेंदनी राय राजपूत के द्वारा, बाबर के द्वारा चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। चंदेरी किस जिले में है, तो आज वर्तमान समय में अशोकनगर जिले में है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मेंदनी राय राजपूत के द्वारा बाबर का युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पर देखा गया कि बाबर ने अंदर जाके धोखे धोखे से किसको मारा था, मेंदनी राय राजपूत को मारा था। कैसे, क्योंकि जो बाहर द्वारपाल खड़े थे, यह गया उसने कहा तुम यहाँ पे खड़े खड़े क्या करोगे, मैं तुम्हें मंत्री बना दूंगा। और सबको लालच क्या होती है, लालच सबसे बुरी बला होती है। तो उन्होंने ये कह करके, तो सभी मंत्रियों ने कह दिया कि आप अंदर जाइए। अंदर जा करके इसने क्या कर दिया, सीधा आक्रमण कर दिया और मेंदनी राय राजपूत की क्या कर दी, हत्या कर दी, हत्या कर दी। जैसे ही उसने वहां पे मेंदनी राय राजपूत और वहां पे अन्य जो सैनिक थे, उन सैनिकों की इतनी गर्दनें काटी कि वहां पे एक मीनार खड़ी हो गई, मीनार खड़ी हो गई। तब वहां की जो रानियां थी, पटरानियां थी, वहां की रानियों ने कितनी, 800 रानियों ने एक साथ क्या कर लिया था, जौहर कर लिया था। आप कहोगे कि जौहर क्या होता है, तो आपने देखा होगा सती प्रथा, सती प्रथा, सती प्रथा की क्या होती है, मम्मी होती है, जो कि जौहर, जौहर क्या होती है, सती प्रथा की मम्मी होती है, अर्थात बड़ी होती है। सती प्रथा में अपनी ही पति, अपने ही पति का सर अपनी कोख में रख करके, गोदी में रख करके सती बन जाती थी। यदि नहीं बनती थी तो उसे जबरन बनाना पड़ता था। लेकिन जौहर कुंड में क्या होता था कि जो राजमहल हुआ करता था, राजमहल के बीचों बीच में एक बड़ा सा कुआं खोदा रहता था, उसमें आग जलती थी। तो सभी रानियों ने अपनी अपनी, जो पटरानियां थी और रानी ने अपनी अपनी गले में हाथ डाल करके अपने अपने पति का नाम ले करके उसमें झमझम कूद गई। तो जौहर कर लिया था, कितनी पटरानियों ने, 800 रानियों ने। तो चंदेरी में ही क्या था, जौहर कुंड था। क्या है चंदेरी में, जौहर कुंड, नौखंडा महल, नौखंडा महल, जौहर कुंड, जौहर कुंड, खूनी दरवाजा, खूनी दरवाजा, हवा महल, हवा महल। चंदेरी में ही क्या है, नौखंडा महल, जौहर कुंड, खूनी दरवाजा तथा हवा महल। खूनी दरवाजा क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे अनेक राजा और जो राजपाल हैं और राजा की गर्दनें कटी थी, जिस दरवाजे से खून निकला उसी दरवाजे को क्या कहा गया, खूनी दरवाजा कहा गया। और चंदेरी की साड़ियां मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत देश में ही अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। इसके आगे देखते हैं हम घाघरा के युद्ध को। तो घाघरा का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था, घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध ये कब लड़ा गया था, 6 मई 1529 को, 6 मई 1529 को कब क्या लड़ा गया था, घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। तो किस किस के मध्य लड़ा गया था, बाबर, बाबर बैट्स महमूद, महमूद अफगानी से, अफगानी से, महमूद अफगानी के मध्य बाबर का घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 6 मई 1529 को लड़ा गया था, सॉरी। और यह बाबर का अंतिम युद्ध था, क्योंकि
26 दिसंबर 1530 को, कब? 26 दिसंबर 1530 को क्या हो गई थी? बाबर की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु, यह घाघरा का युद्ध बाबर का अंतिम अर्थात निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में बाबर ने क्या की थी? जीत हासिल की थी। यह बाबर का क्या था? अंतिम युद्ध था। कब हुआ था? 6 मई 1529 को हुआ था। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। बाबर का जो शव है उसको कहाँ दफनाया गया था? तो आगरा स्थित आराम बाग में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? तो आगरा स्थित आराम बाग में, आगरा स्थित आराम बाग में इसे दफनाया गया था। परंतु इसकी अनरजिस्टर्ड पत्नी जिसका नाम होगा यूसुफ जई, क्या अनरजिस्टर्ड पत्नी जिसका नाम क्या था? यूसुफ जई के द्वारा बाबर का मकबरा कहां पे बना है? तो काबुल में बनवाया गया था। जो बाबर की रजिस्टर्ड पत्नी थी उसका नाम क्या था? माहे बेगम था। लेकिन अनरजिस्टर्ड पत्नी क्या थी? यूसुफ जई के द्वारा बाबर का मकबरा कहां पे बनवाया गया था? काबुल में बनवाया गया था। लेकिन बाबर अपने बड़े पुत्र को क्या करता था? अत्यधिक प्यार करता था। इसलिए बाबर जिस समय संभल का सूबेदार था वहां पे उसकी क्या हो गई थी? तबीयत खराब हो गई थी। तो संभल वहां से बाबर ने उस बड़े पुत्र को उठा करके दरगाह ले गया था और दरगाह में जाकर के उसने फरियाद की थी। तो जैसे जैसे उसका पुत्र, बड़ा पुत्र ठीक हुआ और बाबर वैसे वैसे अत्यधिक बीमार हुआ। धीरे धीरे बाबर पार हो गया और हुमायूं बिल्कुल से ठीक हो गया। इसके आगे कल देखेंगे। जय हिंद।